हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर हैं बाजू के एक बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो ये देखिए, बाजू हमने ऑलरेडी अपनी हमेशा की तरह कट करके रखी हुई है। ठीक है, इसकी हम मोहरी पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये अब देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसकी लंबाई टोटल मैंने यहाँ पे 9.5 रखी हुई है, जो कि तैयार होने के बाद आपकी 8 के आसपास आ जाएगी, 8 इंचेस के आसपास। ठीक है, और इसकी मोहरी पर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी तैयार मोहरी होगी दोस्तों, वो हमारी 5.5 इंचेस होगी। तो वहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा देना है अच्छे से, या फिर आप कट मार्क भी लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, अब इसको आपको निशान को दोनों साइड पर लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हम एक हमने 1.5 मीटर पट्टी ली हुई है इसके लिए। तो उसकी देखिए चौड़ाई जो है तैयार 5.5 है। इसको मैंने 7 इंच पे कट किया था दोस्तों, तो दोनों साइड पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसकी देखिए पूरी लंबाई जो है मैंने यहाँ पर करीब 1.25 मीटर ली हुई है। एक बाजू के लिए हमें 1.25 मीटर पट्टी की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने 0.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया है। उसके बाद हम आज के डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे। जो हमारा आज का डिज़ाइन है दोस्तों, वो है बॉक्स प्लीट वाला, जैसा कि आपने देखा ही है। तो हम बॉक्स प्लीट इसकी 1.5 इंच पे बनाने वाले हैं। तो बॉक्स प्लीट के लिए एक फंडा है दोस्तों, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चौड़ाई इसकी 1.5 इंच रख रहे हो, तो इसका जो आपने लाइन जो सिलाई करनी है वो 1.5 इंच का आधा हो गया 0.75। तो उतने इंच पे इस तरह से डिज़ाइन आपको निशान लगा देना है जहाँ पर हम सिलाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0.25 इंच। ठीक है, 0.75 या फिर 0.25 इंच, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगा देना है, जो कि आपका 1.5 इंच का बिल्कुल हाफ है। और यहाँ पर एक टिप और है दोस्तों, अगर आप छोटी बॉक्स प्लेट्स बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 इंच की बनाना चाहते हो, तो ये जो लाइन मैं 0.25 इंच पे कर रही हूँ, वो लाइन आपको 0.5 इंच पे करनी होगी। ठीक है, जिससे कि जब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा। तो हमारी जितनी भी लंबी पट्टी है उस पर इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है दोस्तों, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो फिर अब मैं इसको आगे का आपका बताती हूँ स्टेप। तो इसको आपको पहले अच्छे से सेट कर लेना है दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले डिज़ाइन की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 0.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है दोस्तों अपनी बाजू पर। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। जो हमारी हमने पट्टी पर जो लाइन करी थी 0.5 इंच पे, वो सिलाई हमारी इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको सेट करके बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहले आपको इसको रख लेना है, फिर दूसरी साइड पे ये पट्टी रखनी है जिस पे हमने ऑलरेडी मार्किंग करी हुई है। ये सीधी साइड है दोस्तों, मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड किया हुआ है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सामने होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए देखिए, जैसे ये वाला जो निशान है, ये देखिए इस तरह से, ये पहले निशान के ऊपर इस तरह से मिला के यहाँ पे रखना है। तो ये हमारी परफेक्ट 1.5 इंच का एक बॉक्स प्लेट बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो आपका निशान है, वो उससे अगले निशान के साथ मैच करना है ऐसे। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करना है। मैं देखिए रख के बताती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे रखना है। और ये जो सिलाई है, मैंने पहले भी बताया था, जो 0.5 इंच वाली सिलाई है वो आपके बाजू वाले निशान से मैच करनी चाहिए इस वाले निशान से। ठीक है, आप इसको मैच करके बार बार देख सकते हो अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको टक इन कर देंगे ताकि ये हमारा जो है बाजू मूव ना करे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से अगली वाली बाजू आपको बनानी है इस तरह से, और इस पर सिलाई कर देनी है। सेम इसी तरह से दोस्तों सारी प्लीट्स हमने बनानी है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा बनने के साथ ही साथ आपको बहुत प्यारा लगने लगेगा ये डिज़ाइन। और आजकल ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा चलन में है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से बॉक्स प्लीट बना लेनी है पूरी बाजू पे, जितनी हमारी 1.5 मीटर जितनी पट्टी ले रहे हैं आप, वो पूरी पट्टी की हमें यहाँ पर डिज़ाइन बना देने हैं इस तरह से।
और आपको यहाँ पे फिटिंग के निशान से शुरू करके फिटिंग के निशान पे ही ख़त्म करना है दोस्तों, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये देखिए हमारी बॉक्स प्लीट ऑलमोस्ट बन चुकी है और बाजू हमारा प्लीट बनने के साथ साथ ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए मैं इसको आयरन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आयरन भी कर लिया है हमारी बाजू का, और कितनी प्यारी ये ऐसे ही बाजू अगर पहनेंगे तो भी बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन मैं इसमें और भी कुछ आयरन भी करने वाली हूँ, तो चलिए इसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने बाजू अपनी पूरी स्टिच कर ली है। अब इसके बाद मैं इसमें मोती लगाने वाली हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए वो कैसे लगाने हैं, जो हमने ये देखिए कुर्ती में ऑलरेडी अटैच कर लिया है बाजू को। तो अब देखिए ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारी डेढ़ इंच की प्लेट का इस तरह से। तो वहाँ पर हमने एक मोती लगा देना है यहाँ पे, ये देखिए जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा एक इंच पौना इंच छोड़ा हुआ था उसको हम मिला करके आपस में इस तरह से स्क्वायर बना देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक और देख लीजिए, ये देखिए इनको परफेक्ट इस तरह से करके फिर यहाँ पर आपने मोती लगाना है दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में से इसको टक करेंगे तो ये है ना हमारा फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए ऐसे। अब देखिए मैंने दो बता दिए दोस्तों, बाकी मैं तैयार करके पूरा दिखाती हूँ आपको बाजू को। तो ये देखिए दोस्तों बाजू मैंने पूरी टक इन कर ली है। मोती हमारे लगने के बाद बाजू और भी खूबसूरत हो गई है दोस्तों। तो आपको ये आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैंने अपनी दोनों बाजू इसी तरीके से रेडी कर ली है दोस्तों। और अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।